शक्ति। शक्ति प्रकृति के निर्माण का एक मौलिक सत्य है। शक्ति जिसे हम ना बना सकते हैं और ना ही हम नाश कर सकते हैं। हम केवल मनुष्य रूपी ही नहीं, हम ऊर्जा प्राणी हैं। यह ऊर्जा कोई भी रूप धारण कर सकती है। भाप से लेकर द्रव घन रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। यह भौतिक शरीर अणु और परमाणु से निर्मित एक दिव्य शक्ति क्षेत्र है। सांस और सांसों की शक्ति। सांस एक माध्यम है जो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। हम स्वयं बीज रूपी ऊर्जा है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यानी हम जागरूक अवस्था में रहने वाले मनुष्य हैं। इस ऊर्जा अवस्था में होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे शरीर और मन रोगग्रस्त होता है। जब हम सांस के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तब हम सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसी साधना को हम आनापानासति कहते हैं। यह साधना शारीरिक और मानसिक स्तर में बढ़ने वाले ऊर्जा पर आधारित है। हमारा जीवन शारीरिक और मानसिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। पिरामिड और पिरामिड शक्ति। पिरामिड प्राचीन काल के पवित्र रेखागणित पे आधारित एक उच्चतम निर्माण है। पिरामिड अत्यधिक ब्रह्मांडीय शक्ति को संग्रह करती है। वास्तव में पिरामिड क्यों एक स्थिर संरचनात्मक निर्माण है? सुनहरा पिरामिड का कोण क्यों 51 डिग्री 51 मिनट्स ही होना चाहिए? यह सुनहरा कोण 51 डिग्री 50 मिनट ही क्यों है? यह जानने की रुचि के कारण मैंने अनेक किताब और साहित्य का अध्ययन करने लगा। फिर मुझे ये पता चला कि सुनहरा कोण सुनहरा अनुपात 5 से लिया गया है। यह ज्यामिति के प्रकार 1.618 जो एक अद्भुत संख्या है। यह 51 डिग्री 50 मिनट के कोण में परिवर्तित होता है। सुनहरा अनुपात अनेक रोचक विषयों का समुदाय है। यह केवल पिरामिड के द्वारा ऊर्जा ही नहीं देती है, बल्कि हमारे जीवन में अनेक बदलाव लाने का एक माध्यम बनती है। प्राचीन मिश्र देश में निर्मित महान पिरामिड भी इसी सुनहरा कोण के आधार पर निर्माण किया गया। यह सुनहरा कोण में अधिक स्थिरता है। पिरामिड शक्ति। पिरामिड के अंदर संग्रहित ब्रह्मांडीय शक्ति को हम पिरामिड शक्ति कहते हैं। इसके कारण अगर हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे तो ब्रह्मांडीय शक्ति 3 गुना अधिक होके हमारे भौतिक शरीर में प्रवाह होता है। अनेक सामग्री जो हम पिरामिड के निर्माण में उपयोग करते हैं, क्या उसका प्रभाव ऊर्जा के प्रवाह पर पड़ता है? पिरामिड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद एनी मटेरियल। जो पिरामिड बनाते हैं, मुख्य रूप से यह चीजें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि पिरामिड बनाने का जगह और परिमाण, उसके पास होने वाले पर्यावरण, और मुख्य रूप से पिरामिड बनाने का उद्देश्य के ऊपर आधारित है। पिरामिड निर्माण में रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, फेरो सीमेंट कंक्रीट, टॉप इंस्टॉलेशन पैनल्स, फाइबर सीमेंट बोर्ड्स, बैम्बू मैट्स, मेटागैल्वो एल्यूमिनियम शीट्स के अलावा और भी चीजों से निर्माण कर सकते हैं। पिरामिड ऊर्जा पिरामिड के साइज पे आधारित है। स्थूल शरीर के स्वास्थ्य पर सांसों की ऊर्जा का महत्व किस प्रकार होता है? आनापानसति ध्यान विधि से सांसों की ऊर्जा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? Yes, myself Gurudev. Working in the field of yoga and elite sciences. मैं पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु और महेश्वरा महापिरामिड करताल में आनापानसति ध्यान के बारे में अध्ययन और शोध कर रहा। मेरा इस शोध मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग पैरामीटर के द्वारा आनापानसति ध्यान के प्रभाव को पहचानना। इस शोध के दौरान हमारे टीम आनापानसति ध्यान का प्रभाव किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, ये जानने की कोशिश किए हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य के ऊपर अद्भुत प्रभाव हम जान पाए। आनापानसति ध्यान प्रतिदिन करने से फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति कम होती है। यह फ्री रेडिकल्स जो है आवश्यकता से ज्यादा उत्पन्न होने के कारण अस्वस्थता को बढ़ाती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। Creates health illness and also aging process becomes faster. So we concluded that इसलिए हम ये जान पाए ध्यान अभ्यास के द्वारा
फ्री रेडिकल्स की उत्पादन कम हो जाती है। इसके कारण वृद्धावस्था की प्रक्रिया समस्थिति में होता है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी एक उत्साही शोधकर्ता है जो आध्यात्मिक शास्त्र विज्ञान को संपूर्ण अध्ययन करके वर्ष 1990 में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का स्थापना किए हैं। उसी दौरान पिरामिड ऊर्जा और सांसों के ऊर्जा को अनुसंधान करके आंतरंगिक यात्रा में अनेक गहरे अनुभूतियों को स्वानुभव से जान चुके हैं। इसी प्रक्रिया को पिरामिड ध्यान का नाम दिए हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को यह पैराब्रत एनर्जी प्रक्रिया प्रभावित करके अपने संबंधित गांवों में, कस्बों में, शहरों में पिरामिड बनाने का प्रेरणा दे रही है। कृषि के लिए पिरामिड, गौशालाओं में पिरामिड, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पिरामिड, संरक्षण के लिए पिरामिड, निवास गृहों के लिए पिरामिड, शिक्षा के लिए पिरामिड, कारागारों में पिरामिड, आध्यात्मिक सत्संगों के लिए पिरामिड आश्रम, उद्यमियों के द्वारा निर्मित पिरामिड, लोगों के कल्याण हेतु अपने संबंधित चुनाव क्षेत्रों के राजनैतिक नेताओं के द्वारा निर्मित पिरामिड, PSSM के द्वारा सबसे पहले निर्मित कर्नूल जिला के बुद्धा पिरामिड। I am BV Reddy. I am an industrialist. मुझे ध्यान और ध्यान का परिचय 1989 में श्रीमान पत्री जी के द्वारा हुआ था। मैं जब उनको पहली बार देखा था, उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज को महसूस कर पाया। उसी समय जान गया कि वे ही मेरे जीवन के गुरु हैं। तभी अपने अंदर उत्पन्न अनेक सवालों का जवाब ध्यान के द्वारा मैं जान पाया। उसी वक्त से वे ही मेरे आध्यात्मिक गुरु मान के उनके साथ ध्यान प्रचार में चल पड़ा। सबसे पहला पिरामिड भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश के कर्नूलू शहर में पत्री जी के दिव्य आशीर्वाद से 1991 में प्रारंभ किया गया है। यही मूल पिरामिड भारत का सबसे पहला ध्यान का पिरामिड है। यह पिरामिड बहुत ही मुख्य निर्माणों में से एक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक होने के कारण शरीर के कणों में प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण बीमारियां भी ठीक हो जाते हैं। जो साधक हमारे पिरामिड में आते हैं उन्हें अद्भुत लाभ मिला है, यह हम खुद प्रैक्टिकली जान पाए। यह भारत का मदर पिरामिड है, क्योंकि इसके पहले कोई भी आध्यात्मिक वेत्ता इस विषय के बारे में बताए नहीं थे, क्योंकि पत्री जी के वजह से ही पिरामिड में ध्यान करना शुरू हुआ। ब्रह्मर्षि पत्री जी ही इस उद्धारणा के मूल पुरुष है। He is root cause for this type of concept. क्या प्राणी जगत में पिरामिड ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है? इस दिव्य क्षेत्र का नाम पिरामिड जेतवनम या कोटाला गांव कलकिर मंडल चित्तूर जिला में है। यहाँ हर एक निर्माण पिरामिड के आकार में ही है। मैं ये कंस्ट्रक्शन చేసినా पिरामिड आकार में చేయడం ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత। गौशाला भी उसी आकार में निर्मित है। हमने गौशाला में किंग्स चैम्बर का निर्माण भी किया है, जिसमें लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हम 6 साल के पहले इस गौशाला का निर्माण किया। जो गाय यहाँ रहते हैं यह 6 सालों में कभी बीमार नहीं पड़े, ना ही हम उन्हें पशु संरक्षण शाला में लेके गए। यह एक सकारात्मक संकेत है। कोई भी जीव पिरामिड के अंदर रहेगा तो आजीवन स्वस्थ रहेगा। पिरामिड लो ये देना उंचना चाला हेल्थी का उंदी अनेदी माकु क्लियर का अर्थ में तुंदी। ना पेर पुत्तूर सुबारो माटूरु प्रकाश जिला श्री कृष्ण पिरामिड गो संरक्षण सेवा समिति। मेरी पत्नी ने मुझे 2012 में पहली बार ध्यान के बारे में बताया। जब से मैं ध्यान शुरू किया तब से मेरे जीवन में एक अद्भुत बदलाव देख पाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। पिरामिड गौशाला मानो पिरामिड ले पूछने जाना चाहिए। हमारे घर में गाय रहती है, फिर हमने सोचा उनके लिए यहाँ एक पिरामिड गौशाला का निर्माण करें।
क्योंकि यहाँ के सारे गाय स्वस्थ रहे, तब यह अद्भुत गौशाला का निर्माण हुआ। जो भी कोई गाय अस्वस्थ होते हैं वे पिरामिड ऊर्जा से स्वस्थ हो जाते हैं बिना किसी इलाज के। और दूध का उत्पादन भी अन्य गायों से ज्यादा होता है। Does pyramids have effect on animals? पिरामिड का प्रभाव जानवरों के ऊपर भी पड़ता है क्या? बेशक, मनुष्य जैसे ही वे भी एक जीवी है, बेशक हमारे जैसे ही है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह साबित हुआ कि जानवरों में भी भावनाएं होती है, बेशक हमारे जैसे ही है। गौशाला मतलब गायों के निवास हेतु निर्मित जगह, यह हमें भी पता है। गौशालाओं को पिरामिड के आकार में निर्माण करने से वहाँ के गाय बहुत आनंद और स्वास्थ्य के साथ रहते हैं। गौशालाओं को पिरामिड के आकार में निर्माण करने से हम ये जान पाए कि वहाँ के गाय बहुत आनंद और स्वास्थ्य के साथ रहते हैं। उनके द्वारा प्राप्त दूध भी स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। हमने ये महसूस किया यहाँ के गायों में सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। जब अस्वस्थता या घायल हो जाते हैं तब पिरामिड के अंदर रखने से जल्द ही ठीक हो जाते हैं। हमारे जैसे वे भी अस्वस्थ हो जाते हैं, तब उन पर पिरामिड का उपयोग जरूर करिएगा। मुख्य रूप से पशु संरक्षण शालाओं में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड के नीचे उन्हें रखने से सकारात्मक फल मिलते हैं। जीव जंतु के स्वास्थ्य के हेतु पिरामिड अद्भुत सहायक होता है। In terms of helping the animal kingdom. उद्यमियों के द्वारा निर्मित पिरामिड। Hello friends, I'm Shreyans Daga. I'm an industrialist living in Bombay. I'm into edible oil extraction business and I'm also a vice chairman of Pyramid Valley International, Bangalore. मुझे 1997 में ध्यान परिचय ब्रह्मर्षि पत्रीजी के द्वारा हुआ। ध्यान परिचय के 6 महीनों के पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो जाना और उसी 2 दिन के पहले मुझे टीबी बीमारी होने का पता चला। ठीक उसी वक्त पत्रीजी ने मुझे पिरामिड ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, बिना कोई डॉक्टर बिना किसी दवा के तुम अपने टीबी को कम कर सकते हो। टीबी का कारण केवल तुम्हारा अंदर का दुख है। अगर तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना है तो ध्यान करके अपने स्वयं शक्ति को बढ़ाना है। इस प्रेरणात्मक विषय बता के पत्रीजी मुझे ध्यान सिखाए। ठीक उसी दिन से 1 महीने तक मैंने ध्यान किया और पूरी तरह मैं टीबी से मुक्त हो गया। एक व्यवसाय के उद्यमी होने के साथ साथ मैं सभी को पिरामिड ध्यान करने की सलाह देता हूँ। यह हमें विचारों को सकारात्मक बनाने का एक माध्यम है। हम जब अनेक काम करते रहते हैं तो कुछ भावनाओं में बह जाते हैं। अगर हम ध्यान करेंगे तो, और मुख्य रूप से पिरामिड ध्यान करेंगे तो आनंद के साथ रह सकते हैं। साल 2000 में बैतूल में हमने एक आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण किया था। विद्यार्थियों के विद्या विकास में पिरामिड ध्यान के विशेष प्रभाव का कारण पाठशाला में पिरामिडों का निर्माण किया है। Inspired by the change which is people are seeing in the पिरामिड ऊर्जा के बारे में जानने के बाद हमने एक पाठशाला का निर्माण किया। उस पाठशाला में हमने पिरामिड का भी निर्माण किया। वहाँ की विद्यार्थियों में बहुत ही बदलाव आया। उनमें एकाग्रता और याददाश्त की शक्ति बढ़ गई। वे प्रतिदिन बिना कोई रुकावट पिरामिड में ध्यान कर रहे हैं। सारे विद्यार्थियों पढ़ाई में तेज और आनंद के साथ रहते हैं। अपने बच्चों में हुआ बदलाव को देखकर उनके माता पिता भी स्कूल आके ध्यान के बारे में जान के हर सप्ताह के अंत में बच्चों के साथ मिलकर ध्यान करते हैं। एक छोटी सी प्रांत में बच्चों से प्रेरित होकर उनके माता पिता भी ध्यान करना आश्चर्य की बात है। वह पाठशाला सबको आकर्षित कर रही है। Imagine that the children could have so much benefited. So this school has become a major attraction for them because they've seen this children transformation. My name is Shankar Jagda, principal, Satpada Valley Public School, Baitul, Madhya Pradesh. 2005 में हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने एक नया रचनात्मक शिक्षा विधान को प्रवेश करने हेतु विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के सत संकल्प से
पाठशाला में ध्यान विद्या को आरंभ किए थे। पाठशाला के ऊपर 4 पिरामिड भी निर्माण किए थे। पाठशालाओं में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने हेतु पिरामिड निर्माण के सुविचार के लिए ब्रह्मर्षि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के विद्यार्थियों में, पाठशाला के अध्यापकों में और जो यहाँ काम करते हैं, सब में अच्छा बदलाव महसूस कर पाए हैं। यह पिरामिड निर्माण के बाद से सबके व्यवहार और अनुशासन के साथ शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध में काफी सुधार हुआ है। अन्य स्कूल मैनेजमेंट को मेरा सुझाव है कि पाठशालाओं में पिरामिड का निर्माण करने से बहुत ही अद्भुत परिणाम हम महसूस कर पाएंगे। Who can construct this pyramids? Definitely it will be miracle. I am Aravindan, Chief Mentor of Acharya Group of World Class Institutions. We are based from Pondicherry. Moreover, मुख्य तौर पे मैं एक ध्यानी हूँ। ध्यान करने के समय में आनंद में रहता हूँ। पिछले 25 वर्षों में मेरा आंतरंगिक यात्रा बहुत ही फलदायक और ज्ञानदायक होने के कारण मेरा जीवन अमूल्य बन गया। मैं अपने आप को पहचान पाया। बचपन में मैं अलग किस्म का था, लेकिन ध्यान करने के बाद मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने के वजह से मैं इसमें पूरी तरह विश्वास करता हूँ। इतने महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले ब्रह्मर्षि पत्री जी से मेरा मिलना मेरा सौभाग्य की बात है। वे हमेशा दो बातें बताते हैं, एक आनापानसती ध्यान मतलब सांसों की प्रक्रिया को देखना और दूसरी पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल करना। मुख्य रूप से शाकाहार को बहुत ही प्राधान्यता देते हैं। पत्री जी मुझे हाथ पकड़ के आध्यात्मिकता के राह पे ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत धन्यवाद कहता हूँ। बिना कोई तकलीफ के मैं शाकाहारी बन गया। तब से मैं ध्यान के गहराइयों में और तेजी से बढ़ पाया। उसी वक्त में समझ पाया कि ध्यान एकत्व का मार्ग है। पत्री जी ने मुझे विद्यार्थियों को ध्यान सिखाने का आदेश दिया। 2007 में मतलब 11 साल पूर्व मुझे मेडिटेशन का एक पैम्पलेट मिला। ध्यान के बारे में जानने के लिए उस पैम्पलेट में दिए गए पते पर मैं पहुंचा और वहां एक 2x2 लकड़ी के पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान किया। उस समय जब मैं संगीत ध्यान में लीन था, पांडिचेरी के एरोवेल के मात्र मंदिर जो एक बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है, मुझे उस मंदिर की ऊर्जा की अनुभूति हुई। तभी मैं समझ पाया ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पिरामिड एक एंटीना की तरह ग्रहण करती है। पिरामिड के बारे में जानकारी पाने के लिए और प्रयोग करने के लिए हमने हमारे पाठशाला में 5 पिरामिडों का निर्माण किया है, एक हॉल के रूप में और कैंपस के चारों ओर और मुख्य द्वार पर सभी को दिखाई दे सके ऐसा निर्माण किया है। यह पिरामिड शक्ति विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच समभाव और एक दूसरे को समझने की क्षमता लेकर आई है। यह ऊर्जा विद्यार्थियों में बहुत ही तेजी से फुर्ती लेके आई है और अनेक विषयों में विजय प्राप्त हुई है। मैं इस दिव्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। आचार्य के लिए पिरामिड एक अद्भुत वरदान है। आचार्य अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। यह पिरामिड होने के कारण बच्चों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। हम सबके लिए यहाँ पिरामिड होना बहुत ही आनंददायक है। एक शिक्षाविद के रूप में पिरामिड ध्यान को पूरी तरह मैं विश्वास करता हूँ। बच्चों को और युवाओं को ध्यान करने की वजह से बहुत उन्नति प्राप्त हो रही है। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व आंतरंगिक मौन से ही प्रारंभ होता है, उसे हम ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। And beautiful because of meditation. This is Kirtana. हमारे पाठशाला में ध्यान सिखाते हैं। हर एक विद्यार्थी को गोल्डन मेडिटेशन टाइम में दोपहर 12 से लेकर 12:10 तक पाठशाला में ध्यान कराते हैं। इसके कारण मैं समय का सही उपयोग कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हिंदी चेस और संगीत क्लास में भी भाग लेना है। ध्यान करने के वजह से अपने समय को सदुपयोग करने के साथ साथ मेरी एकाग्रता भी बढ़ चुकी है और इसी माध्यम से मैं खुद को प्रेरणा देके विकास की ओर आगे बढ़ रही हूँ। To manage my time and encourage myself to develop myself. Hi friends, this is Lohita of grade 7A. हमारे लिए पाठशाला में ध्यान शिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसके लिए एक प्रत्येक विभाग स्पिरिचुअल साइंस के नाम से हमारे सर पढ़ाते हैं और ध्यान करवाते हैं। मैं यहाँ 4th क्लास से पढ़ रही हूँ। ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी ना खेल कूद में। ध्यान जानती थी लेकिन सही ढंग से नहीं करती थी। एक बार हमारे स्पिरिचुअल साइंसर आके मुझे बताए थे कि
अगर तुम सही ढंग से ध्यान करेगी तो पढ़ाई में और एकाग्रता में बदलाव आई होती। मैंने कोशिश की, अच्छी बदलाव महसूस कर पाई। पढ़ाई में भी अच्छी हूँ और खेलकूद में भी अच्छी हूँ। पिछले साल और इस साल भी आई एम द बेस्ट इन क्लास। आई एम अजन फातिमा फ्रॉम ग्रेड 9C। मैं 8 साल से थायराइड समस्या से जूझ रही थी। 75 mg के दवाई उपयोग करती थी, जो मेरे उम्र के व्यक्ति के लिए अधिक मात्र थी। मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई थी, उनमें से ज़्यादा तक मुझे स्किपिंग करने का सुझाव दिया। स्किपिंग के लिए बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन मैं पूरी तरह से एकाग्र होकर स्किपिंग के समय कूद नहीं पाती थी। 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं कर पाती थी। ध्यान करने के बाद से मैं और एकाग्र होकर कर पा रही हूँ। वह मेरी थायराइड समस्या को कम करने में बहुत ही उपयोग हुआ। मैं फिलहाल 25 mg के दवाइयाँ ले रही हूँ। 3 महीनों के बाद उसे भी त्याग करके ध्यान के द्वारा अपने को पूरी तरह से स्वस्थ रखूंगी। आई एम सुगंधी विश्वनाथन, प्रिंसिपल ऑफ एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल, अ पार्ट ऑफ आचार्य वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। ध्यान इस पाठशाला में एक आंतरंगिक भाग है। आंतरंगिक प्रयाण से ही बाह्य जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बच्चे जब ध्यान के द्वारा आंतरंगिक होके अपने आप को पहचान पाते हैं, तभी उनके सामर्थ्य का एहसास होता है। इनसाइड एंड डिस्कवर देयर सेल्फ, सेल्फ पोटेंशियल एंड देयर ट्रू सेल्फ। वृक्ष जाति पर पिरामिड ऊर्जा का प्रभाव सही में पड़ता है। प्रकृति व्यवसाय में पैना, जब हम हमारे खेत में सहज खेतीबाड़ी का प्रक्रिया में पिरामिड का प्रयोग कर रहे थे, हमने 18x18 के साइज का पिरामिड निर्माण लोह से बनाया। हमने खेतों के बीच में भी छोटे छोटे पिरामिड को स्थापित किया। हम किसानों को भी खेत के पास बिठा के ध्यान करवाते थे। बीज और खाद को खेतों में उपयोग करने से पहले पिरामिड में रखते थे और उपजाव भी अधिक हुआ था। यह मेरा स्वानुभव के साथ कह सकता हूँ, पिरामिड इस संसार में एक अद्भुत निर्माण है। क्षेत्रम अनेदि ना स्वानुभवंगा नेनु पोंदानु। కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం డోన్ తాలూకా కృష్ణాపురం పల్లె వాసులం మేమంతా। यहां के सब लोग मजदूर हैं। कुछ लोग बाहर जाके भी काम करते हैं और मजदूरी से ही हमारा कमाई होती है। हम सब मिलके यहां पिरामिड निर्माण किए हैं, तभी से हमारा गांव में सब लोग एकत्व, शांति और आनंद के साथ जी रहे हैं। यहां जो भी लोग ध्यान करने वाले हैं, वे खेती में उगाने वाले बीजों को एक दिन के पहले पिरामिड के नीचे रखने के बाद खेतों में बोते हैं और इसके द्वारा अधिक मात्रा खेतों से उपज प्राप्त होती है। जब हमें समय मिलती है, तब हम खेतों में बैठ के ध्यान करते हैं। इससे और भी अच्छी उपजाऊ होती है। जब भी बारिश नहीं होती है, तब हम लोग खेतों में जाके ध्यान करते हैं, तब अच्छा बारिश होता है। श्री कृष्णा पिरामिड ध्यान मंदिर, यहाँ कोई भी कभी भी आ सकते हैं। जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह के ध्यान कर सकते हैं। यहाँ हम पिरामिड ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी करते हैं। ये जगह लोअरकंडी गांव विजयनगरम जिला में है। यहाँ बारिश का अभाव है। पिरामिड के निर्माण के बाद यहाँ बारिश आसपास के गांवों से ज्यादा होने लगा। पिछले साल 600 टन पाम ऑयल बीजों का उपज मिला। इस साल पिरामिड के निर्माण के बाद 750 से लेके 800 टन का उपज मिल रहा है। उत्पादन की वृद्धि के लिए पिरामिड ऊर्जा को खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने खेतों में पिरामिड का निर्माण किया। हमने एक प्रयोग किया था। खेती करने से पहले ककड़ी के आधा बीजों को 21 दिन तक पिरामिड के नीचे हमने रखा था और आधा बीजों को अलग से रखा था। बाद में अलग अलग से उगाए। जिन बीजों को पिरामिड के नीचे रखा था, वे साधारण बीजों के तुलना में अधिक उपजाव देने लगे। पिरामिड एनर्जी अफेक्ट्स, यह पिरामिड ऊर्जा का प्रभाव वृक्ष जाति के ऊर्जा क्षेत्र में बेशक पड़ता है। आधुनिक खेती में पिरामिड का उपयोग करने से
ज्यादा से ज्यादा खेतों में उपजाऊ होती है। खेतों में पिरामिड का इस्तेमाल से धान्य, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि होती है। They started observing that the yield of the crop is much more. क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में यह पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करके एक प्रयोग किया गया, जिसमें पहले दाल की खेत को उगाया गया। यहाँ की भूमि बंजर भूमि है, यहाँ पानी और बारिश का भी बहुत अभाव होने के बावजूद हमें अधिक मात्रा में दाल की उपज प्राप्त हुई। आसपास के गांव में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद उनकी उपज उतने फलदायक नहीं थे। There are many surrounding villages, they were using pesticides, chemicals, but completely they lost the crops. इस प्रयोग से हमें यह पता चला, पिरामिड ऊर्जा का प्रभाव वृक्ष जाति पर पड़ती है। यह ऊर्जा आँखों से परे है। अधिक ऊर्जा वृत्ताकार में सारे वृक्षों पर प्रसार होता है। इसके कारण वृक्षों के उत्पादन और बढ़ोतरी में प्रभाव पड़ता है। Wherever there's high energy, the plants and trees, they twist. यह विषय शास्त्रज्ञों ने जान पाया। इस तरह पिरामिड ऊर्जा के द्वारा फल और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इस तरह पिरामिड ऊर्जा के द्वारा प्राप्त फल और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यह पूरा विश्व के लिए एक नवीन आविष्करण है। यह प्रयोग किसान के परिवारों के लिए बहुत सहायक बनता है। खेतों में उपयोग होने वाले बीजों को एक छोटे से पिरामिड के नीचे 21 दिन तक रखना एक प्रयोग है। उनमें जो जन्य दोष होते हैं उसका निवारण होकर लाभदायक बीज बनते हैं। वे बीज अच्छे उपज देते हैं। आने वाले दिनों में यह पिरामिड ऊर्जा आध्यात्मिक खेती बाड़ी का मूल होने वाला है। We all wake up to use pyramid energy for having spiritual agriculture. नवीन युग के पिरामिड आश्रमों का विशेषता क्या है? In the year 2004, I came to know about 2004 में बेंगलुरु शहर में एशिया के सबसे बड़ा मेगा पिरामिड आने वाला है यह समाचार मुझे मिला था। यह पिरामिड 160x160 बेस से 102 ऊंचाई और सुनहरा कोण के साथ चारों दिशाओं के आधार पर निर्माण किया गया। इसमें 5000 लोग एक ही बार बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में पिरामिड ऊर्जा और ध्यान शक्ति के बारे में पत्री जी के द्वारा बहुत सारे विषयों को जान पाया। यह मैत्रेय बुद्धा पिरामिड 2004 में शुरू हुआ, 2005 तक ध्यान करने लायक हो गया और 2008 में पूरी तरह तैयार हो गया। जब पिरामिड पूरी तरह से तैयार हो गया तब से अधिक संख्या में लोग आने लगे। मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर के लोग संदर्शन और ध्यान करके आनंद ले रहे हैं। 2010 में द टाइम्स ऑफ इंडिया बेंगलुरु मिरर के द्वारा किया गया वंडर्स ऑफ बेंगलुरु नामक एक सर्वे में अत्यधिक चुने गए निर्माणों में से प्रथम स्थान मैत्रेय बुद्धा पिरामिड को मिलना एक अद्भुत विषय है। इसके बारे में जान के हजारों लोग यहाँ आने लगे। यहाँ हर दिन उचित अन्नदान और रहने के लिए व्यवस्था भी है। बिना भेदभाव के आप सभी लोगों को हमारा आमंत्रण है। The name of this ashram is Sri Omkareshwara Pyramid Dhyana Shakti Mahakshetra. ये हैदराबाद से श्री सेलम जाने के रास्ते में है। श्री सेलम जाने वाले सारे यात्रियों के लिए यह एक दिव्य ध्यान शक्ति क्षेत्र है। शिव जी का चिन्ह ओमकार है। श्रीमान ब्रह्मर्षि पत्री जी के यह संकल्पता के श्री सेलम के पास ओमकार आकार में एक दिव्य ध्यान शक्ति क्षेत्र का निर्माण हो। पूरे विश्व में इस तरह का यह पहला निर्माण है। यहाँ 18x18 साइज के 18 पिरामिड ओमकार आकार में बनाया गया। यहाँ के 18 पिरामिड 18 शक्तिपीठों से अनुसंधान किया गया है। यह पूरा क्षेत्र 2 एकड़ में निर्मित है। 2009 में निर्माण प्रारंभ होके 2012 में पूर्ण हुआ। 2012 दिसंबर 12 को यानी 12/12/12 को पत्रीजी के हाथों उद्घाटन हुआ था। तब से यहाँ जो भी आते हैं उनको ध्यान सिखाया जाता है। यह रहने की व्यवस्था भी है और उचित भोजन का प्रबंध भी है। यह बहुत सारे मरीज माइग्रेन हेडेक से, मानसिक असंतुलन से और अनेक बीमारियों से आते हैं।
10 से 15 दिन यहाँ ध्यान साधना करके पूरी तरह स्वास्थ्य को ठीक करके जाते हैं। Huge change, huge healing has happened in all the ways. My name is Ram Babu. I am basically electronic engineer. 2007 में करताल पिरामिड का निर्माण प्रारंभ हुआ था। यह 180x180 बेस साइज और 114 के ऊंचाई का पिरामिड है। 6000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान करने के सौलभ्य से इसका निर्माण किया गया। 2012 को पूरी तरह तैयार होने के बाद यहाँ ध्यान महाचक्र प्रारंभ हुआ। मैं यहाँ का वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। यह पूरा 60 एकड़ में स्थित है। यह एशिया में ही बड़े पिरामिडों में से एक है। हमारे मूवमेंट के लिए यह प्रधान कार्यालय है। हर साल यहाँ ध्यान महाचक्रम का आयोजन करते हैं। उस समय हर दिन 25,000 से लेके 30,000 के लोग संदर्शन और ध्यान करने के लिए यहाँ आते हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों को उचित व्यवस्था के साथ उचित भोजन का सदुपाय भी हम देते हैं। डू फ्री फूड फॉर द ध्यान महाचक्रम। दवाइयां बनाम पिरामिड ध्यान। నా పేరు శ్రవంతి అండ్ నేను ఖమ్మం నుండి వచ్చాను తెలంగాణ స్టేట్. ఏక్ సాల్ పహలే రీడ్ మే దర్ద్ కి వజహ సే బహుత్ పరేషాన్ థీ. ఉస్కే కారణ్ బహుత్ సారే డాక్టర్ సే మిలీ థీ. అనేక్ దవాయియాం లేతీ థీ. ఆహార్ సే జ్యాదా దవాయియాం లేనా పడతా థా. పూరీ తరహ్ సే బిస్తర్ మే హీ సమయ్ గుజార్నా పడా. ఇస్ సాధన సే షాయద్ మే ఠీక్ హో సక్తీ హూం ఐసా సోచ్ కే మేనే పిరమిడ్ కే నీచే బైఠ్ కర్ ధ్యాన్ కర్నా షురూ కియా. ఏక్ హీ మహీనే మే మే పూరీ తరహ్ సే స్వస్థ హో గయీ. इस तरह पिरामिड ध्यान करने से मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। इसे देखकर हमारे परिवार वाले और रिश्तेदार आश्चर्य होकर ध्यान करना शुरू किए। ना पेरु वीर जगदीश्वरी गोल्लर मावडाडा ने पुट्टिंदी पेरिगिंदी तूर्पु गोदावरी जिल्ला लोने। जब मैं कुछ भावनात्मक असंतुलन की स्थिति में थी पूरी तरह जीवन के प्रति रुचि खो गई थी। ठीक उसी समय मुझे एक वरिष्ठ पिरामिड मास्टर रेड्डी नायडू जी के माध्यम से पिरामिड ध्यान के बारे में पता चला। वहाँ एक पिरामिड में उन्होंने 10 मिनट ध्यान के बारे में बता के 1 घंटा ध्यान साधना करवाए। ध्यान करने के बाद जब ध्यान से बाहर आई मुझे आनंद प्यार और खुशी महसूस होने लगे। बहुत सारे लोग जो मेरी तरह परेशान हैं, उनको ध्यान सिखाने और ध्यान के द्वारा आनंद दिलाने का उत्सुकता मेरे अंदर बढ़ गई। तभी पिरामिड ध्यान मंदिर निर्माण करने की प्रेरणा मिली। तुरंत घर आने के बाद अपने पति से पिरामिड निर्माण करने का प्रस्ताव रखी। वे खुद मान गए और पिरामिड निर्माण करवाया। क्या हमारे अस्वस्थता के लिए हम ही कारण हैं? डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? आई एम डॉक्टर गौतम लोडाया सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दैट मींस आई डील विद कैंसर पेशेंट्स। मेरे पास बहुत सारे फोर्थ स्टेज कैंसर के पीड़ित मरीज चिकित्सा के लिए आते हैं। मैं हैरान हूँ कि इतने एलोपैथी और अत्याधुनिक परिकर होने के बाद भी बहुत सारे लोग खास करके कम उम्र वाले शुगर हाइपरटेंशन बीपी के मरीज बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह सब क्या हो रहा है? मुझे यह विचार बहुत ही तकलीफ देता था। एलोपैथी के अनुभव होने के बावजूद मुझे ये लगता था कि और भी कुछ है। ध्यान के बारे में मुझे जानकारी थी तब मुझे लगा कि मरीजों को क्यों ना हम ध्यान सिखा सकते हैं। तब से हमने ध्यान सिखाना शुरू किया। जो भी यहाँ आते हैं सबको ध्यान सिखाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक मरीज आईसीयू में एडमिट हुआ था। हम और हमारे स्टाफ और उनके रिश्तेदार उनके पास बैठकर ध्यान किया करते थे। पहली बार जब मैं उनको देखा
मुझे लगा वे शायद ही जी पाएंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है 2 या 3 दिन के बाद वो पूरी तरह ठीक होके आईसीयू से बाहर पैदल चलते एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बाहर आ गए और उनके रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल हैं। तब मुझे ध्यान का महत्व पूरी तरह से पता चला। यहाँ पे पिरामिड हर जगह है, मेरे कमरे में, कॉरिडोर में, पेशेंट्स के वेटिंग रूम में, फार्मेसी में, हर जगह रखे हैं। सौ लोग बैठकर ध्यान करने लायक एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर भी हम चला रहे हैं। साधारण घरों के अलावा पिरामिड घरों का निर्माण क्यों करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम जगदीश्वर रेड्डी है, मैं आमंगल तेलंगाना से हूँ। पिछले 30 साल से मैं इंसोमिनिया से पीड़ित हूँ। नींद आने के लिए अल्फ्राजोन दवाई का उपयोग करता था। मैं ध्यान के बारे में एक पैम्पलेट के द्वारा जाना। उस पैम्पलेट में ऐसा लिखा था, जिसे भी नींद कम आती है ध्यान करने से अच्छी नींद सो पाएंगे। तब से ध्यान करने लगा, फिर मेरी नींद ना लगने की बीमारी ठीक हो गई। तब से मैं अल्फ्राजोन दवाई लेना बंद कर दिया। तब मुझे लगा अगर पिरामिड के अंदर ध्यान करने से ऐसा हुआ तो लंबे समय तक पिरामिड में रहने से और भी अद्भुत परिणाम को हम पा सकते हैं। We all know that pyramids... पिरामिड एक रहस्यमय रेखागणित पे आधारित निर्माण है। यह विषय हम सब जानते हैं। पानी को ऊर्जावान बनाना, घरों को ऊर्जावान बनाना, यह सब हम जानते हैं। पिरामिड सही में हम पर सकारात्मक ऊर्जा प्रसारण करती है। हम इंसान कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, क्रोध, भय, दुख, ईर्ष्या, द्वेष और अनेक मानसिक असंतुलन के साथ जीते हैं। यह पिरामिड ऊर्जा हर एक के लिए उपयोगकारी है। पिरामिड एनर्जी कैन रियली हेल्प देम। पिरामिड और मानव शरीर। If you know that, even... क्या आपको पता है हमारे शरीर पिरामिड के आकार में ही रहता है? इस विश्व में पिरामिड एक स्थिर निर्माण है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वह पिरामिड सेल्स कहलाते हैं। आप अगर सही ढंग से देखेंगे तो हमारे नाक और हमारे गले में एडम्स एप्पल जो है पिरामिड के रूप में ही होते हैं। ब्रह्मांडीय चैतन्य शक्ति का प्रतिरूप ही हमारा संसार है। That's a, because that's a blueprint. The whole cosmos is working that way. पिरामिड ऊर्जा किस प्रकार उद्यमियों को पिरामिड निर्माण करने का प्रेरणा दी है? This is Pyramid Home Divine, State Center for Rejuvenation and Transformation, and it is situated in small village called as Rajawala near Selakui, Dehradun, and State Uttarakhand. 2000 साल में यह दिव्य निर्माण का कल्पना मैंने देखा। उसके बाद वास्तव रूप धारण करके 2010 में पत्रीजी के दिव्य आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ। फिलहाल यह जगह सारे साधक के उपयोग में है। सारे लोग और साधक यहाँ आके ध्यान करके पिरामिड ऊर्जा का लाभ ले रहे हैं। यहाँ हर निर्माण पिरामिड के आकार में ही निर्मित किया गया है। इसमें मुख्य है मणिद्वीप पिरामिड, जो इस क्षेत्र का ऊर्जा केंद्र है, और यहाँ ऑर्गेनिक खेती भी करवाते हैं। मैंने विद्यार्थियों पर एक प्रयोग किया था। मेरी बेटी एक आर्किटेक्ट है और मेरा बेटा एक डॉक्टर है। वे दोनों
6 बजे पिरामिड के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। कुछ दिनों बाद उनके अंदर एकाग्रता बढ़ने लगी। पिरामिड हमारे जीवन में बदलाव ले आया। पिरामिड ऊर्जा के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बननी चाहिए। इस पिरामिड को बनाने के लिए मुझे क्या प्रेरित किया? Previously I was having a construction. मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी था। उस समय मेरे साथ एक हादसा हो गया था। यह पिरामिड ऊर्जा हीलिंग के द्वारा मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। निस्संदेह यह पिरामिड मेरे जीवन में अद्भुत परिणाम ले आया। ये मैं पूरी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। पिरामिड ऊर्जा और ध्यान शक्ति के बारे में प्रचार करना ही मेरा जीवन का पब्लिक एट लार्ज। पिरामिड ध्यान राजनैतिक नेताओं को पिरामिड निर्माण करने का प्रेरणा दी है। నా పేరు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, శాసనసభ్యులు చంద్రగిరి అంటే తిరుపతి రూరల్. నేను ఎంఏ బిఎల్ పిహెచ్డి చేశాను. మే జబ్ పత్రిజీ కే బారే మే జానా ఔర్ ఉన్సే మిలా తబ్ జాన్ పాయా కి ధ్యాన్ హర్ వ్యక్తి కే జీవన్ మే ముఖ్య భూమికా నిభాతీ హై. యే ఏక్ వ్యక్తి కో ఆనంద్ ఔర్ స్వస్థ బనాతీ హై. పిరమిడ్ మాస్టర్ రాజేంద్ర జీ నే హమే యహ సుజావ్ దియా కి పిరమిడ్ కో ఏక్ అద్వితీయ రూప్ మే నిర్మాణ్ కరే. తబ్ హమ్నే యోజనా బనాయీ కి హనుమాన్ జీ కే హాతో మే संजीवनी पर्वत को पिरामिड का रूप दे। वह संजीवनी पर्वत पिरामिड के आकार में रहेगा और मुख्य द्वार हनुमान जी की छाती में से होगा और वहां से दूसरे मंजिल के पिरामिड के लिए रास्ता है। जब यह अद्भुत योजना का प्रारूप बना के मुझे बताया गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। तब मैं मान लिया और ठान लिया कि बिना कोई पिरामिड मास्टर से चंदा ना लेके खुद के पैसों से इसे बना लूं। इस निर्माण के लिए पूरे 1,25,00,000 खर्च हुए। निर्माण करने के बाद इस पिरामिड को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के हाथों ध्यान शिक्षण और मानव कल्याण हेतु सौंप दिया। ब्रह्मर्षि पत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ के पिरामिड मास्टर्स बहुत सारे ध्यान शिक्षण शिविर संचालित किए हैं। जो लोग यहाँ पिरामिड ध्यान शिविर में आते हैं, उन्होंने बताया कि वे बहुत आनंदित है, क्रोध और दुख से मुक्त हो गए, बिना कोई दवा से अस्वस्थता से ठीक हो गए। केवल हर रोज पिरामिड ध्यान करने से ये बदलाव आया। जब मुझे यह सब विषयों के बारे में पता चला, तब मैं बहुत आनंदित हो गया, क्योंकि जिस रकम मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया, उसका सही उपयोग हुआ। हर दिन ध्यान करने से जीवन के कई पहलुओं में गुणवत्ता बढ़ती है। यह केवल मेरा मानना ही नहीं, व्यक्तिगत अनुभूति है। నా పేరు మల్లాడి కృష్ణారావు. యానం ప్రజాప్రతినిధిగా పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వంలో హెల్త్ మినిస్టర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. పిరమిడ్ ధ్యాన్ వ్యక్తి కో స్వస్థ ఔర్ ఆనందిత్ బనాతీ హై. యే హమ్ జాన్ కే ఔర్ స్వస్థ హమారే లియే అత్యంత ప్రదాన్ హోనే కే కారణ్ 6 సాల్ పెహ్లే యహాన్ ఏక్ పిరమిడ్ కా నిర్మాణ్ కియా హై. ఇస్కే పెహ్లే హీ పిరమిడ్ కే అద్భుత శక్తియోన్ సే మే వాకిఫ్ థా. ఉసీ సే ముజే యానం పిరమిడ్ నిర్మాణ్ కర్నే కీ ప్రేరణా మిలీ. अनेक पिरामिड ध्यान शिक्षण शिविर यहाँ करवाए। आने वाले समय में पिरामिड ध्यान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम अनेक कार्यक्रम करने वाले हैं। पिरामिड ध्यान करने से मैं बहुत शांत रहने लगा। मेरा तनाव कम होके अपने जीवन में मानसिक संतुलन के साथ जी रहा हूँ। जो लोग यहाँ आते हैं पिरामिड ध्यान के पहले और बाद में, उनके अंदर आए परिवर्तन को देख के सब आनंदित है। దీంట్లో ఉన్న ఎనర్జీని తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటున్నారు. దుర్ఘటన సంభావిత రాజమార్గం మే పిరమిడ్ కా ఇస్తమాల్ కర్నే సే దుర్ఘటన కా నివారణ కర్ సక్తే హై. పిరమిడ్ ఊర్జా ఏక్ అద్భుత ఊర్జా హై. తెలంగాణ రాజ్య కే రామగుండం రాజమార్గం మే అనేక బార్ దుర్ఘటన హోతీ రహతీ హై. రామగుండం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్మెంట్ కే मास्टर सरकारी रवाना शाखा के अधिकारियों को पिरामिड ऊर्जा के बारे में जानकारी दी है और उनको दुर्घटना स्थल में नकारात्मक ऊर्जा कैसे कम हो जाती है समझाए हैं। तेलंगाना सरकार के नेतृत्व में 6 अप्रैल 2018 में तेलंगाना राज्य के राजीव स्टेट हाईवे SH1 में जहां जहां दुर्घटना अधिक होती है, वहां वहां रामगुंडम PSSM के मास्टरों ने पिरामिड की स्थापना की है। ऐसे ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ मार्गों में दुर्घटना निवारण हेतु पिरामिड स्थापना किए हैं।
समविचारों से विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं के द्वारा निर्मित पिरामिड। व्यक्तिगत शांति ही विश्व शांति का मूल है। जब मैं ध्यान में लीन हो गया था, मुझे एक संदेश मिला कि इस जगह पे ध्यान केंद्र का निर्माण करना है। यह पिरामिड 33x33 साइज का है। जब हम इसके अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारा श्वास क्रिया कम होते होते शून्य स्थिति में जाने के बाद विश्वमय प्राण शक्ति को विशेष रूप से ग्रहण करता है। इसके कारण निर्मल मन के साथ साथ संतुलित विचार होते हैं। यहाँ आसपास के गांवों के लोगों ने यहाँ आके ध्यान करने के बाद उनके रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है। यह दिव्य क्षेत्र विश्वमय ऊर्जा से भर जाने के कारण यहाँ किए गए सकारात्मक विचार विश्व कल्याण के लिए उपयोग होता है। श्रीमान पत्री जी एक महान आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ है। मानव जाति के कल्याण हेतु सारे विश्व में पिरामिड का निर्माण ही उनका लक्ष्य है। सारे विश्व में पिरामिड ध्यान का विस्तार करें और नवीन शांतिमय विश्व का निर्माण करें। Tuvarnamukhi Samskruti Dhama. This is located at Vadairali village, which is border of Kanakpura Taluk and Bangalore South. Pyramid meditation. यह पिरामिड ध्यान बहुत अद्भुत साधना है। कोई भी कहीं भी पिरामिड में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। यह शारीरिक और मानसिक शांति दिलाती है। निस्संदेह आध्यात्मिकता के रास्ते में बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है। इस पिरामिड ध्यान को बच्चों को सिखाने के लिए और सभी के उपयोग के लिए इस आश्रम की स्थापना की गई है। In living for the children, because that's where we have to start inculcating. पहले पिरामिड के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बारे में पूरी तरह जान के, पत्री जी के बारे में पढ़ के और समाज के बहुत सारे मास्टरों के साथ मिलकर हमने इस पिरामिड का निर्माण किया। यह पिरामिड ध्यान सारे विश्व में आमोदित है। इस साधना से जो मुझे आनंद मिल रहा है, उसका श्रेय ब्रह्मर्षि पत्री जी को ही जाता है। मैं सदा उनका एहसानमंद रहूंगा। इस विश्व में अनंत ध्यान शक्ति के वे प्रतिरूप हैं। Remembered as an icon of meditation forever in the world. कारागारों में पिरामिड ध्यान। कारागारों में कैदियों के लिए संबंधित शाखा के अधिकारियों के सम्मति से पिरामिड का निर्माण किए थे। अनेक पिरामिड ध्यान शिक्षकों और शिक्षण कार्यशाला के द्वारा कैदियों को ध्यान सिखाया जाता है। यह पिरामिड ध्यान साधना से कैदियों में सकारात्मक परिवर्तन और व्यवहार में बदलाव के बारे में संबंधित अधिकारियों ने बताया। Welcome to this Pyramid Valley International near Bengaluru, South India. This is our international headquarters where all people come here and enjoy the pyramid energies, enjoy the pyramid meditation energies, and I also enjoy the nature's energies. I am a voracious reader. I have read all the spiritual books right from my childhood. Way back in the year 1982, I came across a book called The Secret Power of Pyramids by two masters, Bill Shull and Ed Petit. So in the year 1982, I came across this small book and I was wonderstruck by the experiences of all those people who contributed to that book Pyramid, Secret Power of Pyramids. Then I asked my own carpenter to give me small pyramids, cardboard pyramids, with the same angle as the Great Pyramid of Giza. And then he gave me two pyramids and I tested the pyramid energy. So in those days, I used to be shaving my beard. So I used to keep those razors inside the pyramid, small pyramids. Then I used to get 30, 40, 50 shaves. So whatever was there in the book was replicated by me. That was in the year 1982. Then
In the year 1991, the first pyramid was constructed in Karnool. It is called the Buddha Pyramid Meditation Center. And since then, the pyramid meditation age has dawned on this earth planet. Real pyramid meditation age, real meditation age also has dawned on this planet Earth. And the Pyramid Spiritual Society movement began in the year 1991. Then in the year 1992, I resigned my job, money earning job, and then I started going from village to village, town to town, country to country to spread the ideas and concepts of pyramid energy, meditation, pyramid meditation, spiritual science, vegetarianism, all the whole package of true spirituality. Today, now in this year 2018, I am sitting here in front of this great pyramid, and thousands of pyramids have been built by us. Small pyramids, big pyramids, in thousands and thousands of villages and towns. And not only in villages and towns, in every house, rooftop pyramids have been built. And all those things you can see in our website, www.pyramidseverywhere.org. I welcome you to go into our Pyramids Everywhere website and see all those things. Energy is the most important thing. We are not matter, we are actually energy. E is equal to mc square, we know that. So energy coagulates, consolidifies and becomes a solid. This physical body is huge energy. Every atom has got huge energy and we are all energy beings. So we are ourselves energy beings. We are pure consciousness, and to tap into our own energy reservoir is called as meditation. When we are low in our energy, when we expend more energy than we tap our energy, then we become ill and diseased. But when we begin to tap our own energy through meditation, we become more energy rich, and all problems, ailments, illnesses, everything vanishes when you dive into your own energy pool, your own source energy, which is infinite. So this diving of yourself into your whole, your source self, your source energy, which is the fundamental energy, which is other also called as God's energy, right? That is called a meditation. Tapping into energy, that is called as the science of energy maximization. When you speak less, unnecessary talk, we talk unnecessarily, we think unnecessarily, we worry unnecessarily. When you reduce all these things, unnecessary things to zero, then you are fully energetic. So your lifestyle is the result of your energy levels. You can enhance your energy levels by putting yourself in an energy system, which is called as the pyramid energy. In the year 1981 or 82, I also read a book by Dr. Paul Brunton, A Search in Secret Egypt, where in the year 1936, he went into the Great Pyramid alone, into the King's Chamber. He spent one whole night. He had wonderful experiences. I would recommend that everybody should read that book, A Secret Search into Egypt. So I was enamored by that experience, and in due course, I have myself gone 9 times to the Great Pyramid of Egypt. We have taken many people to go and do meditation inside the King's Chamber. It's a really great experience. Meditation essentially means going into your breath, connecting your breath. Your breath is connected to the whole cosmos. So when you are with the breath, you are connected to the cosmic energy, and you are in the flow of the cosmic energy. And all problems vanish, you know. Actually, all problems of humanity are because by killing animals and eating their carcasses, by killing birds and eating their carcasses, by killing the fish and eating those carcasses, which is not at all human food. Human beings are herbivorous, they are not carnivores. So our right foot is only plant foot. The first step is being a vegetarian, the second step is being a meditator, the third step is being a pyramid meditator. So that is the highest state of energy level in your body, mind, intellect, soul, godhood system.